चीन के जिस शहर वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, वहां के बारे में एक और नया खुलासा हुआ है। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने दावा किया है कि वुहान की प्रयोगशाला में जेनेटिक इंजीनियरिंग से जानवरों के जीन्स भी बदले जा रहे हैं। इनमें बंदर और खरगोश के जीन्स भी शामिल हैं। चीन पर बहुत बड़ा खुलासा। वुहान लैब में खतरनाक प्रयोग। जीन्स में बदलाव कर नए बंदर खरगोश बना रहा है चीन। इस बीच चीन को लेकर एक और बड़ा दावा किया गया। चीन में 20 साल तक काम करने वाले एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने दावा किया कि चीन बंदर खरगोश को लेकर खतरनाक और रहस्यमय रिसर्च कर रहा है और चीन की सेना ही ये रिसर्च करवा रही है। अजीबोगरीब से दिखने वाले इन बंदरों की ये तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। ब्रिटेन के अखबारों में इन तस्वीरों के साथ चीन की नई कॉन्स्पिरेसी हेडलाइन बनी हुई है। ये एक्सपर्ट है जैस्पर बेकर, जो ब्रिटिश लेखक और पत्रकार है। जैस्पर बेकर ने 20 से भी ज्यादा साल तक चीन में रहकर रिपोर्टिंग की। सन में छपी रिपोर्ट में जैस्पर बेकर ने कहा है कि वुहान की लैब में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से पहले 1000 से ज्यादा जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर बनाए हैं, दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की प्रयोगशालाओं में नए जानवर बनाने वाली रिसर्च चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की देखरेख में हो रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी खास तौर पर दो एरिया की निगरानी करती है। पहला डीएनए में बदलाव, जिससे बेहतर सैनिक बनाए जा सकते हैं, और दूसरा जीन से छेड़छाड़ करके छोटे जीव जो जैविक हथियार बन सकते हैं और जिनका कोई इलाज नहीं है। बेकर ने दावा किया है कि शंघाई में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ने 2019 में एक एडल्ट अफ्रीकन लंगूर से 5 बेबी बंदरों का क्लोन बनाया। डीएनए में इस छेड़छाड़ का नतीजा ये हुआ कि बेबी बंदर ऐसे लक्षणों के साथ पैदा हुए जिसने उनकी जागने और नींद की साइकिल को बिगाड़ दिया। चीन की वुहान प्रयोगशाला में सिर्फ बंदर और खरगोश, सुअर ही नहीं चमगादड़ों पर भी बरसों से प्रयोग किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि चमगादड़ के जरिए ये वायरस आया और वुहान की लैब से लीक हुआ। चीन के दो रिसर्चर्स बोचाओ जियाओ और ली जियाओ ने 2019 में एक रिपोर्ट दी थी। इसमें प्रयोगशाला में चमगादड़ों पर रिसर्च का जिक्र किया गया था रिपोर्ट में, क्योंकि अक्सर वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। वुहान की लैब में 605 चमगादड़ों पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन एक रिसर्च में शामिल एक चमगादड़ ने एक वैज्ञानिक JH Tion के हाथ पर काट लिया और कोरोना महामारी ने दुनिया में कहर बरपाया तो शी जेंगली ने कैमरे पर चीन की पोल खोली। हम 2004 से चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर स्टडी कर रहे हैं। 15 साल के दौरान हमने काफी कुछ चीजें इकट्ठा की, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया ताकि महामारी के वक्त हम कम से कम वक्त पर उससे बचने का तरीका निकाल सके। 15 साल की रिसर्च के दौरान हमने SARS जैसे वायरस को ट्रेस करने का तरीका पता लगाया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी एजेंसियों को 90 दिन में जाँच पूरी करने को कहा है। चीन के अंदर ही खबरें बाहर नहीं आ पाती है। कोरोना का सच भी चीन ने छुपा रखा है, लेकिन इस वक्त दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां, साइंटिस्ट वुहान लैब लीक थ्योरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।